इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप अपने बच्चों को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि ये इसके अंदर हमारे अंदर कई सारे हार्मोनल चेंजेस, इंटरनली चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझते, उनको नहीं मालूम होता इस चीज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो 13 साल से 19 साल के बीच में है। बिकॉज हमारी लाइफ में ये ऐसी एज है ना जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा, मतलब हमें एक दिस इज़ अ क्रिटिकल पीरियड जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगी जो कि पेरेंट्स आपको नहीं पता होता, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडोलेसेंस एज क्या होती है। बेसिकली ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर मतलब हमारे अंदर कई सारी डेवलपमेंट ग्रोथ होती रहती है ना, एंड ये स्टार्ट होती है स्टेज विद प्यूबर्टी। और ये कब तक होती है, जब तक हम मेच्योर नहीं हो जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं बेसिकली 13 ईयर्स से 19 ईयर्स की जो एज होती है, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं, ठीक है। इस एज में क्या हो रहा होता है, हमारे अंदर ड्रास्टिक रैपिड चेंज आते हैं हमारे अंदर सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है, स्ट्रेसफुल चीज़ें होती है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा परेशान से रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, ठीक है, एंड मेंटल चेंजेस, सारे चेंजेस हमारे अंदर आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि इस एज में क्या होता है, हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारे फ्यूचर को इम्पेक्ट करती है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हम अनजाने में कर देते हैं, जो कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि पता सबको होता है लेकिन ये गलत है, बट एक्चुअली में ये एज ऐसी होती है जहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर। जहाँ पर क्या होता है कि जो इस एज के जो बच्चे होते हैं, जो मैं भी बच्चा हूँ ना, इस एज में होता क्या है कि जो एडोलेसेंट होते हैं, जो हम होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब एग्रेसिव बिहेवियर होता है। आप पेरेंट्स की अगर बात करें, आपने देखा ही होगा अपने बच्चों को, जनरली वे कुछ गुस्सा ज़्यादा करने लग गए हैं, है ना, ये इस एज में ऐसे ही होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, और काफ़ी बार भी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, मतलब बोल जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, है ना। और काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं, एंड रिपल्सिव व्हेन वर्क इज़ नॉट ऑफ देयर इंटरेस्ट। जब उनके इंटरेस्ट का कोई काम नहीं हो रहा था ना, तो वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि एडोलेसेंट करते हैं, जो कि आपको पता होगा पेरेंट्स, ठीक है। सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम आती है, विच इज़ ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाइड मिस्टेक्स। इस एज में क्या होता है भैया कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और हम जो भी हम गलती कर देते हैं जाने में, वो हम छुपाते हैं, है ना, हम अपने पेरेंट्स छुपाते हैं, ठीक है, छुपा देते हैं। होता क्या कि जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके अंदर, और भी अपने आप को हीरो की तरह समझते हैं, क्या मैं हूँ सब कुछ और मुझसे बड़ा कोई वो नहीं है, मतलब अपने आप को हीरो की तरह एक्ट करते हैं वे, है ना। वे अपनी गलतियों को छुपाते हैं, और वे मतलब क्या करते हैं कि इस एज में वो दूसरों को उल्लू बनाना ही सोचते हैं कि इसको उल्लू बनाया जाए मजे लेने के लिए, ठीक है। दिस इज द सेकेंड जो कि ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाइडिस मिस्टेक्स। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है गिव इम्पोर्टेंस टू फ्रेंड्स। पेरेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप अपने बच्चों को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि ये इसके अंदर हमारे अंदर कई सारे हार्मोनल चेंजेस, इंटरनली चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझते, उनको नहीं मालूम होता इस चीज़ के बारे में। सो बेसिकली गिव इम्पोर्टेंस, इस एज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्या फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे, है ना। होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम फ्रेंड्स की संगत में आते हैं, कंपनी ऑफ फ्रेंड्स में आते हैं, और ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, क्या ग्रुप्स में रहें, इन्जॉय करेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी बार क्या होता है कि हम गलत सर्कल में घुस जाते हैं, एंड सर्कल जाने की वजह से हम क्या करते हैं, कुछ एंटी सोशल हैबिट्स को फॉलो करने लगते हैं। उन ग्रुप्स में जाने के बाद कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो मतलब गलत हैबिट में पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, ये होता है। एंड फोर्थ जो प्रॉब्लम है, विच इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। इस उम्र में होता क्या है कि टाइम का बहुत वेस्ट करते हैं, हम टाइम को समझते ही नहीं हैं, बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत कर देते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि हम
बेकार चीज़ों में मतलब बेकार चीज़ों में पड़ जाते हैं, जैसे गोस्पिंग करना, बात करना, भैया टेलीविज़न देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है, मूवीज़ गाने सुन रहे हैं, मज़े से मतलब इन्जॉय को, इन्जॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो ये एडोलेसेंस की डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स ड्रग्स एंड स्मोकिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना होगा पेरेंट्स, आपको समझना होगा, है ना। होता क्या कि इस एज में क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, और वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स को बना लेते हैं जो मतलब गलत आदतों में पड़े हुए हैं, है ना, जहाँ पर वे ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ समझिए इस बात को, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपको अवेयर कर देगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आती है कि रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर बेसिकली क्या है, ये एक मैंने बताया ना कि एज ऐसी ही है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर में मतलब गलत सेक्सुअल डिज़ायर में पड़ जाते हैं। कैसे समझिए, इसमें होता क्या है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक स्टेज होती है, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम नहीं समझ पाते कुछ भी जल्दी से, ठीक है, हमारा जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, एंड हमारी जो मतलब हमारे अंदर कई सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अपोजिट जेंडर को बढ़ावा देते हैं, यार अगर कोई लड़का है तो वो लड़की को अट्रैक्ट कर, दोनों क्या करने की कोशिश करते हैं, अपोजिट सेक्स बनाने की मतलब जेंडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, है ना, और वो क्या करते हैं मतलब अनजाने में वो एक गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, कमिट कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि रेप, है ना, प्रोस्टिट्यूट्स, टीनेज प्रेगनेंसी को बढ़ कर देते हैं, प्री पैरामैरिटल सेक्स रिलेशनशिप में बढ़ जाते हैं, ये होता है। पेरेंट्स आपको समझना ज़रूरी है, और आप जो टीनेज में हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है एडोलेसेंस की, विच इज़ अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, मैंने बताया आपको कि इस एज में हमारा माइंड बहुत कंट्रोल नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार अपोजिट सेक्स बनाते हैं, मतलब ये ज़्यादातर इन्जॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वे सोचते हैं कि लड़का है तो लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब अट्रैक्शन का होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आती है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें होता क्या कि हमारा जो कंसंट्रेट है किसी भी चीज़ को लेकर, फोकस कितना है वो कम हो जाता है, कम ही होती है इस चीज़ में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब टीनेज होती है तो इसमें हम पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, ठीक है, कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, और कभी कभी हम अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, अगर हमारा मतलब किसी काम को कर रहे हैं उसमें जो रिजल्ट नहीं मिलता तो हम क्या होता है बेसिकली हम अपने उस चीज़ में इंटरेस्ट खो देते हैं, हमें जो चीज़ भारी लगती है उसको हम नहीं करते बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आती है नेग्लेक्ट फैमिली, इस एज में बहुत ही कॉमन चीज़ है आज के समय पर, एंड कहीं ना कहीं चीज़ तो हो ही रही है क्योंकि आज का मोबाइल आ गए हैं, तो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स फैमिली को भूल रहे हैं, वो पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, है ना, और बेसिकली वे नेगलेक्ट कर देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को, और वे अपने आप को समझते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट समझते हैं अपने आप को। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई ओपिनियंस कि मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आती है लैविश एक्सपेंसेस, मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं इस एज में, बहुत सारे हम सोचते हैं कि यार जब हम किसी को देखते हैं, है ना, मान लिया कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी की भी कुछ भी देख रहे हैं, है ना, अच्छा यार इसने अच्छी घड़ी पहन रखी है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, यार मुझे भी ऐसे बनना है, हम इस तरीके से सोचने लगते हैं, लैविश एक्सपेंसेस क्रिएट करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो कि ब्यूटी कॉन्शियस, मतलब क्या है कि हम जब इस एज में आते हैं ना तो हम अपने आप को सुंदर रखने के लिए कोशिश करते हैं, क्या सुंदर बनूँ, सुंदर बनना है, ब्यूटी कॉन्शियस आती है, ठीक है। इस एज में क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस होती है कि यार मैं अपनी बॉडी को कैसे फिट रखूँ, कॉन्शियस रखूँ, ठीक है, है ना, कैसे फिगर स्ट्रक्चर, कैसे बॉडी बनानी है, शेप ब्यूटी, जिससे कि मैं अपने आप को मतलब अट्रैक्ट कराने के लिए करता रहूँ, ठीक है, और इसमें भी बहुत सारा वेस्ट, लॉट ऑफ टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट आती है इन एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, मतलब होता क्या कि इस उम्र में वे
सही तरीके की नींद और रेस्ट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई काफ़ी बार क्या होता है कि जो टीनेजर होते हैं वो रात रात नहीं सोते, वो उनको टेंशन होती है, प्रेशर होता है, ठीक है, और वे कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स उनकी होने लग जाती है। फिर आता है डिप्रेशन, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो बात करना ज़रूरी है। आज के समय पर ये एक ऐसा युग है जहाँ पर हर कोई डिप्रेशन है। सिर्फ डिप्रेशन एडोलेसेंस में नहीं है, आज तो सब डिप्रेशन को में आ रही हैं। इस उम्र में क्या होता है कि हमारा अनकंट्रोलेबल इमोशंस होते हैं, हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ करनी है तो हम उसको नहीं रोक पाते, हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, अनकंट्रोलेबल इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। तो मैंने ये आपको बेसिकली 12 प्रॉब्लम्स बताई एडोलेसेंस की, जो कि समझना ज़रूरी है। आई होप पेरेंट्स आपको समझ में आया होगा कि इस एज में क्या होता है, क्या क्या वे गलती कर देते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को शायद इम्पैक्ट कर सकती है। सो आई होप दिस इज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल का मोटिव ये है कि हम आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे आपको, और आपको मतलब वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो कि आपको मतलब अवेयर रहने में मदद करेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो जय हिंद, वंदे मातरम।